विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आज हम वैश्विक स्तर पर व्यापार के नियमों को तय करने वाली संगठन यानी कि विश्व व्यापार संगठन पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि विश्व स्तर पर व्यापार के नियमों को तय करने का कार्य WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है। यह संस्था गेट GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ की उत्तराधिकारी संस्था है। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कुल 164 देश हैं। इस संगठन में कोई भी निर्णय सदस्य देशों की सहमति पर ही लिया जाता है, अर्थात विश्व व्यापार संगठन अपने निर्णयों में अपने सदस्य देशों को सहभागी बनाता है ताकि सभी देशों की सहमति से निर्णय लिया जा सके और सभी देशों का हित शामिल हो। अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियां अपने हित के लिए व्यापार के नियमों को बनाने में कुछ हद तक कामयाब हुई हैं, जिससे विकासशील देशों ने नाराजगी व्यक्त की है। वैश्विक स्तर पर यदि व्यापार के संबंध में कोई विवाद यानी कि डिस्प्यूट पैदा होता है तो उसके निवारण के लिए भी विश्व व्यापार संगठन उचित व्यवस्था करता है। आज के इस प्रकरण के अभ्यास प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। दूसरा प्रश्न है, WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन किस संस्था का उत्तराधिकारी है? WTO GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का उत्तराधिकारी है। तीसरा प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? विश्व व्यापार संगठन में वर्तमान में 164 सदस्य हैं। चौथा और अंतिम प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन पर संक्षिप्त लेख लिखिए। विश्व व्यापार संगठन वैश्विक स्तर पर व्यापार के नियमों को तय करता है। अपने सदस्य देशों के हितों के लिए वह व्यापार के नियम बनाता है और सहमति के आधार पर इन नियमों को लागू करता है। विश्व व्यापार संगठन व्यापार के क्षेत्र में होने वाले किसी भी विवाद का निपटारा करने में सक्षम है और व्यापार के क्षेत्र में अगर कोई कठिनाई या बाधा आती है उसे भी रोकना विश्व व्यापार संगठन का कार्य है। वर्तमान में यह अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियों के हितों में कार्य करने में कुछ हद तक कामयाब हुआ है, जिससे विकासशील देशों का इसके प्रति नज़रिया बदला है, अर्थात विकासशील देशों ने विश्व व्यापार संगठन के कामों को लेकर नाराज़गी व्यक्त की है। आज के प्रकरण में इतना ही। धन्यवाद।